देश के अंदर मंदी का असर आईआईटी मुंबई के प्लेसमेंट्स पर भी देखने को मिला, और जो डोमेस्टिक पैकेज था वो पिछली बार के मुकाबले काफ़ी कम रहा, और उतना पैकेज नहीं मिला डोमेस्टिक में जितना मिलना चाहिए था। और डोमेस्टिक में सबसे हाईएस्ट पैकेज जो आईआईटी मुंबई में ऑफर हुआ वो क्वालकॉम ने किया 32 लाख रुपए का। गूगल ने 30 लाख का किया डोमेस्टिक जॉब के लिए। इसके अलावा एक कंपनी और है जिसने 26 लाख का पैकेज दिया। अब बात करते हैं इंटरनेशनल पैकेज की। माइक्रोसॉफ्ट ने एक छात्र को 1 करोड़ 17 लाख रुपए का पैकेज ऑफर किया, क्योंकि वो इंटरनेशनल कंपनी थी तो उन पर देश की मंदी का कोई असर नहीं था। 1 करोड़ 17 लाख रुपए का पैकेज ऑफर किया। इसके बाद उबेर रही, उबेर ने 1 करोड़ 2 लाख रुपए का पैकेज ऑफर किया, और उबेर और माइक्रोसॉफ्ट ने आईआईटी मुंबई में सबसे ज़्यादा पैकेज ऑफर किया। इसके बाद एक आयरलैंड की कंपनी रही जिसने 93 लाख रुपए का पैकेज ऑफर किया। अब बातें करते हैं बाकी की कंपनियों की। हालांकि इस बार जो एवरेज था, जो डोमेस्टिक पैकेज था, वो पिछले बार के मुकाबले कम रहा है, लेकिन इंटरनेशनल पैकेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और जिनको इंटरनेशनल नौकरी मिली है उनकी चांदी हो गई है, लेकिन डोमेस्टिक वालों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान तो जरूर हुआ है। वहीं इंडिया की बीपीसीएल और एचपीसीएल जो हर बार जाती थी यहाँ पर आईआईटी मुंबई में प्लेसमेंट के लिए, वो इस बार इस प्लेसमेंट से दूर रही। उसका कारण था वो भी प्राइवेटाइजेशन पर हैं, और उनका सरकार किसी भी वक्त प्राइवेटाइजेशन कर सकती हैं, तो वो भी नए एम्प्लॉयज़ की भर्ती नहीं कर रहे हैं और जो पुराने हैं उनसे ही काम चलाया जा रहा है। कुल मिलाकर आईआईटी मुंबई में प्लेसमेंट हो रहा है, और जिन छात्रों को नौकरी लग रही है उनकी अच्छे पैकेज पर ही लग रही है। मंदी के बावजूद 30-32 लाख रुपये टॉप के छात्रों को मिले हैं, और 10-12 लाख रुपये का पैकेज एक आम बात है आईआईटी मुंबई में। और जिनको नहीं मिली उनको थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ ज़रूर आएंगी, लेकिन जिनको नौकरी मिली है वो काफ़ी खुश होंगे। हालांकि जो डोमेस्टिक पैकेजेस हैं उन पर मंदी का असर साफ दिख रहा है, लेकिन जिनके इंटरनेशनल पैकेज मिल रहा है उनकी चांदी कट रही है और उनके मज़े आ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि भाई हर किसी को अपनी मनपसंद जॉब मिले, जो कि पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन दूसरों के लिए विश करने में क्या जाता है, और विश करनी चाहिए, यही हमारा काम है। तो जिन जिन को नौकरी मिल चुकी है और जिन जिन को मिलने वाली है उन सभी को बधाइयाँ, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका करियर ऐसा चल निकले कि लोग आपके रिश्तेदार देखकर मुंह फेर लें। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।